जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और मेडिटेशन करें, अपना ख्याल रखें। आप जो भी चाहते हैं, आप वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जो भी चाहते हैं। लेकिन डियर, कोरोना टाइम चल रहा है, प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखिए। समझ रहे हैं? आप सब अपना ख्याल रखिए। और एक एडवाइस है कि अगर आप मेडिटेशन और योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो प्लीज़ ये ज़रूर करना। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक तो आपका अंतर्मन बहुत शांत रहेगा, आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपका शरीर भी फिट रहेगा। समझ रहे हैं? और आज का जो टॉपिक है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जिनकी उनके पर्सन से बातचीत नहीं होती। लेकिन जो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, फिर भी आप उसे भूल क्यों नहीं पा रहे हैं? वो क्यों आज भी आपके जहन में बसा हुआ है? वो क्यों आज भी आपके दिल और दिमाग से नहीं निकल रहा है? क्या रीज़न है? इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए ना, तो सही ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ऑप्शन कैसे चूज़ करना है? अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करके एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और अपनी रीडिंग देखनी है। अब देखिए, अगर किसी वजह से ऐसा हो रहा है कि वो रीडिंग आपसे मैच नहीं हुई, तो आप दूसरा वाला ऑप्शन भी सुन लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। तो आप दूसरा ऑप्शन सुनिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, हो सकता है कि वो रीडिंग आपसे मैच करे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिनसे काफ़ी समय से आप सेपरेट हैं, तो क्यों आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं? क्यों आप उन्हें भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो इंसान आज भी आपके दिल और दिमाग में बसा हुआ है? तो हम इस क्यों का आंसर देते हैं आपको। सबसे पहले हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है। समझ रहे हैं? टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। और दूसरा एरीस लियो सेजिटेरियस। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। हाँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस थोड़ा सा कम है। इस रीडिंग में हम आपके जो पर्सन है ना, उनके नेम का फर्स्ट लेटर भी बताने वाले हैं। कुछ लोगों के पर्सन का नाम एल से शुरू हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन का नाम आई से शुरू हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन का नाम जे से शुरू हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन का नाम वाई से शुरू हो सकता है। जे कई बार निकल कर आया है, तो बताइए कमेंट में आपके पर्सन का क्या नाम है? जे से स्टार्ट है क्या? जे कई बार निकल कर आया है। कुछ लोगों के पर्सन का नाम एफ से हो सकता है और कुछ लोगों के पर्सन का नाम डी से शुरू हो सकता है। आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सच तो ये है कि आप चाहते ही नहीं हैं उन्हें भूलना। अब क्यों नहीं चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान की कोई गलती नहीं है, वो इंसान बहुत इनोसेंट है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो भी हुआ है, उसमें बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है। कहीं ना कहीं आप आज भी इसे निर्दोष समझते हैं। समझ रहे हैं? और आज भी आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आज भी आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, कुछ लोगों को तो बहुत समय हो गया है, लेकिन क्या है ना, आपको ऐसा लगता है कि पर्सन लौट कर आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये आए मेरी लाइफ में कुछ अलग हो जाए, मैं ऐसा ना हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ या फिर मैं किसी और को एक्सेप्ट कर लूँ और ये मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ये सारी चीज़ें आप सोचते रहते हैं और ये सारी चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक दिन ये लौट कर आएगा। हाँ, और सच बताएं, एक
रीजन और है ना भूलने का, वो ये है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, फिजिकली कोई अट्रैक्शन नहीं है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, क्योंकि कुछ लोगों का तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस इशू है और कुछ लोगों का यहाँ पर एज डिफरेंस इशू है। लेकिन ये जो प्यार है ना, किस तरह का प्यार है, आध्यात्मिक प्रेम है ये, समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, सोल लेवल का कनेक्शन है ये। और आत्मा के रिश्ते इतनी आसानी से तो दिल दिमाग से नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं जाते। सोलमेट कनेक्शन है आपका, इसका पूर्व जन्म से ट्विन फ्लेम नहीं बोलेंगे हम, सोलमेट कनेक्शन है। और इस वजह से आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स छुपाता है, आप दोनों की बातचीत बंद हो गई है, लेकिन आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ अभी ऐसा है जो कहना बाकी है, क्योंकि इसने कुछ कहा ही नहीं है, इसने कुछ कहा ही तो नहीं है। अगर कह देता, साफ साफ कह देता, तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते, पर इसने कुछ कहा ही नहीं है ना। जैसे होते हैं ना, चुप रहना, अंदर ही अंदर सारे गम सहते रहना, अपनी फीलिंग्स को मारना, इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, ये सारी चीजें, जो कुछ भी अंदर चल रहा है शायद ही इसने आपसे कभी बताया हो। हमें ऐसा लग रहा है कि इसका एक नाम, मतलब नाम है, शायद सोशल वर्कर हो सकता है, या फिर फैमिली में इसका थोड़ा ज़्यादा इसकी अहमियत होगी, या फिर इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, उन सब पर ध्यान रखते हुए इसने अपनी खुशियों का गला घोट दिया है। कुछ लोगों के लिए जो इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू लग रहा है ना, वो इसी वजह से हो सकता है, इसके छोटे भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, या इसकी फैमिली में इसके भाई बहन हो, तो इसे ऐसा लगता है कि इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, अगर मैंने शादी कर ली तो फिर मेरे भाई बहनों का क्या होगा, समझ रहे हैं। लेकिन आपने उम्मीदें नहीं ख़त्म करी हैं ना, आपने उम्मीदें ख़त्म नहीं करी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑफ़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको कोई प्रपोज करने वाला नहीं है, आपको कोई पसंद करने वाला नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार बार बार नहीं होता है, फिर वो हम ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं मन बहलाने के लिए, लेकिन वो जो अंदर से कनेक्शन बन पाता है ना, वो सबके साथ नहीं बनता, नहीं बनता ना सबके साथ। वो जो अपनापन महसूस होता है वो सबके लिए होता ही नहीं है। अगर ऐसे हर किसी से अपनापन महसूस होने लगे, हर किसी से अंदर से फीलिंग्स जुड़ जाएं एक दूसरे की, तो फिर कोई क्यों रोता, कोई क्यों भटकता, कोई क्यों सुसाइड करता अपने प्यार के लिए, बहुत सारी चीज़ें आ जाती ना लोगों के अंदर। तो यूँ समझिए कि कहीं ना कहीं आज भी आप इसका इंतज़ार करके बैठे हुए हैं, और बहुत प्यार से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। आप जो रीडिंग देख रहे हैं, इनमें से 30% लोग स्टेबल हैं, 30% लोग स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो इसमें मैरिड हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग इसमें मैरिड हैं, और हो सकता है कि आपको बहुत समय बाद किसी का प्यार मिला हो, बहुत समय बाद। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आफ्टर मैरिड आपको किसी से प्यार हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको कभी प्यार नहीं मिला, बहुत मुद्दतों के बाद, शिद्दतों के बाद मिला था, सच्चा प्यार मिला था, तो वो भी इस तरह से आपकी ज़िंदगी से दूर हो गया है कि आप चाह कर भी इसे भूल नहीं पा रहे हैं, आप चाह कर भी और भूल भी नहीं सकते। आप आज भी इसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए, जो लोग अनमैरिड हैं उनको शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है उनके घर पे कि आप शादी कर लो, रिश्ते देख लो, और शादी कर लो, रिश्ते देख लो, लेकिन आपकी नज़रें तो उधर बिछी हुई हैं ना, किसी और के इंतज़ार में। आप आज भी आत्मा से, तन मन से सिर्फ और सिर्फ उसी के हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के हैं। आपके जहन में कभी किसी और के लिए ख्याल भी नहीं आता है कि छोड़ो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, क्या रखा है। लेकिन अब आप कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये पर्सन बोल नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं दे रहा, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। ऐसा होता है ना कि किसी से लड़ना हो तो सामने वाला भी कुछ बोले तब तो लड़ाई बढ़ती है, तब तो कुछ कहीं निष्कर्ष तक हम पहुँचते हैं। लेकिन जब सामने वाला कुछ बोले ही नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऐसा ही है, ये प्यार बहुत करता है, लेकिन इसने फीलिंग्स छुपा रखी हैं, इमोशंस पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, और
ऐसा नहीं आपको चाहता नहीं है, बहुत चाहता है ये, बहुत ज़्यादा चाहता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ मैरिड लाइफ जीने के ख्वाब नहीं देखे इसने, देखे हैं। आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी भी जीना चाहता है, लेकिन इस रिश्ते में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है। आप हमें बताइए कॉमेंट करके किनका इंटरफेयर है ये, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है। कुछ लोगों के पर्सन तो यूँ समझ लीजिए कि 50% स्टेबल हैं, फिनेंशियल इशू उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन मतलब जॉबलेस हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो करियर पर फोकस कर रहे हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया या आपको छोड़कर चले गए हैं जैसे भी, तो ये एक दिन लौट कर आएंगे और ये उम्मीद आपके अंदर बनी हुई है। ये आप भी जानते हैं कि ये एक दिन लौट कर आएंगे, लेकिन आपको शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, आपके पास टाइम कम है, इस वजह से आप अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, घुट रहे हैं। आप चाहते हैं भूलना, क्योंकि इसने कुछ कहा ही नहीं है ना, इसने कुछ कहा नहीं है कि मैं आऊंगा और कमिटमेंट दूंगा, शादी करूंगा, इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये सोचता जरूर है, ये सोचता जरूर है कि एक दिन ये आपकी लाइफ में आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन इस वक्त वो करियर पर फोकस कर रहे हैं। और उनके फैमिली में कलह क्लेश ना हो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपने अब सब कुछ छोड़कर डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, जैसे कि दोनों हाथ खड़े कर दिए, ठीक है मैं हार गया, ठीक है मैं हार गई, अब जो करना है आप करना, आप अपने तरीके से करना। तो अगर आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बारात आएगी या फिर बारात जाएगी। और शादी जब करना ना तो हमें भूल मत जाना, प्रार्थना करेंगे। तो डियर, आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, इस वजह से ही आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट कर भी आएंगे, न्यू बिगिनिंग भी होगी, इस वजह से एंजल्स आपको इन्हें भूलने नहीं दे रहे हैं। चलो जल्दी से स्माइली दे दो आप कमेंट बॉक्स में जाकर, और पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। भूलने उलने की कोशिश ही मत करो, कोशिश कुछ भी मत करो, जब जो होगा तब देखा जाएगा। अब ईश्वर को समर्पित कर दिया है ना, तो फिर क्यों टेंशन लेनी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए, अपने साथ साथ अपनों का ख्याल रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस दुष्ट कोरोना से जो लड़ना है ना, तो अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। और देखिए, सब लोग सेफ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, बार बार हैंड वॉश करिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलना, अपना ख्याल रखना। आप सब ना हमारी जान है जान, और अगर हमारी जान में से किसी को भी कुछ भी हुआ ना, तो आप सोच नहीं सकते, समझ रहे हैं, फिर तो हम बताएंगे नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर आप सब लोगों के लिए, हम बताएंगे नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, बस आप यूँ समझ लो बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं आप सब लोगों के लिए। आपको पता है ये जो नवरात्रि में हमारा अनुष्ठान चल रहा है, इसमें सच में हम डेली हवन करते हैं, ध्यान अनुष्ठान जब तब डेली चलता है हमारा, समथिंग 6 आवर्स का डेली चलता है, तो हम उसमें खुद के लिए कुछ मांगते ही नहीं है, खुद के लिए कुछ भी नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, सच में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप सब लोग खुश चाहिए, मस्त चाहिए, पॉजिटिव कमेंट्स करते रहने चाहिए, ये चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमें ताकत मिलती है, आप सब हमारी ताकत हैं, समझ रहे हैं। तो डियर, अपना ख्याल रखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, कुछ लोग हैं जो पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजिए। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाओ कांटेक्ट करो, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, जिसे आप भूलना तो चाहते हैं पर भूल नहीं पा रहे हैं, क्यों वो आपके जहन से नहीं निकल रहा, क्यों वो आपके दिल दिमाग में रात दिन छाया रहता है, क्यों हर घड़ी आपको उसकी याद आती है, क्यों क्यों क्यों,
तो इस क्यों का ही आंसर हम आपको देने वाले हैं। चलिए पहले इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो सारे साइन है, समझ रहे हैं? जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज लियो सजिटेरियस भी है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, समझ रहे हैं? कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है। लेकिन इधर हम कुछ नया बताने वाले हैं, और वो ये है कि इसमें से आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर क्या क्या हो सकता है। नाम कुछ लोगों के पर्सन का नाम आर से शुरू हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन का नाम जे से शुरू हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन का नाम पी से शुरू हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन का नाम डब्ल्यू से शुरू हो सकता है, और कुछ लोगों के पर्सन का नाम एल से शुरू हो सकता है, समझ रहे हैं? तो अब हम बताते हैं कि आप इन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ दो कंडीशन बताने वाले हैं, समझ रहे हैं? एक तो वो हमें ऐसा लग रहा है कि जो आप रीडिंग देख रहे हैं ना कहीं आपने गलती की है। कुछ भी गलती की हो, शायद आप मैरिड हों और आप अपने फैमिली की बातों में आ गए, या फिर किसी की दूसरे की बातों में आकर आपने मूव ऑन कर लिया रिश्ते से, लेकिन अब आप अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको अपनी कमी का एहसास हो रहा है कि आपने गलत किया, और अब आप उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन शायद वो आपसे बात ना कर रहे हों, तो आप उन्हें भूलने की कोशिश भी कर रहे हों, तो अब आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो फिर वो किसी कीमत में भूल नहीं पाता है, समझ रहे हैं? तो कुछ लोगों के लिए तो हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है। और आपके जो पर्सन है वो काफ़ी समझदार हैं, मैच्योर हैं, लेकिन बस पहले क्या था, यहाँ पर फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। कुछ भी हो आप लोगों के दरमियान, एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू, कोई भी इशू हो, लेकिन इन सबको अगर मिक्स करके बात करें ना, तो फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इशू है। और ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हमें कोई थर्ड पर्सन है, तो कुछ लोगों के लिए फैमिली है ये। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, आप उन्हें भूलना तो चाहते हैं, लेकिन वो आपको भूलने देना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आपको दिन रात याद करते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपके अंदर अभी बचपना है। उन्हें बहुत अच्छे से महसूस हो चुका है कि आप बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं। आप गुस्से में जो भी बोल देते हैं ना, वो सच नहीं होता है, उसका सच से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता। मतलब इनोसेंट टाइप के हैं आप, कि आपको गुस्सा आया तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन वो आप दिल से नहीं बोलते हैं। तो ये आपके पर्सन अच्छे से जानते हैं, इस वजह से आपके जो पर्सन है ना, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, देखिए जो लोग मैरिड हैं ना, इनके फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है, समझ रहे हैं? फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है इस रिश्ते में। फैमिली आप लोगों को अलग कर रही है, फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो। कोई ना कोई बात करके, कोई ना कोई बहाना करके वो आप दोनों को दूर रखने की कोशिश करती है। लेकिन डियर, आपको बहुत ज़्यादा 333333333 दिख रहा होगा, इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आपकी जो विश है ना, आपके पार्टनर के साथ रहने की, उनके साथ ज़िंदगी जीने की, वो पूरी होने वाली है। आपने अपनी हर प्रार्थना में यही विश की है कि आपको इन्हीं के साथ जीवन जीना है। आप मैरिड हो तो भी, अनमैरिड हो तो भी, लोग तो काफ़ी दूर रहते हैं एक दूसरे से, समझ रहे हैं? काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी आपका प्यार ख़त्म नहीं हुआ। लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं आपको अलग करने की, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अलग नहीं कर सकते वो आपको। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों का इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। आप दोनों ना, अगर हस्बैंड वाइफ हो या फिर कपल्स हो, इसके पहले आप दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, समझ रहे हो? बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो आप दोनों, एक दूसरे को समझना, ये सब कुछ ऐसा है जो आप दोनों को कभी भी अलग नहीं होने देगा। ये सब कुछ ऐसा है जो आप दोनों को हमेशा जोड़ कर रखेगा। और हम कह रहे हैं ना, ये आप, ये जो पर्सन है वो बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और जो भी इशू हो आप दोनों के दरमियान, आप इन्हें बेवजह भूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इन्हें भूलें। हाँ, इनकी कमी थोड़ी सी इतनी है कि पहले ये आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। हो सकता है कि पहले इन्होंने आपसे कभी बदतमीज़ी की हो, गलत सलूक किया हो,
मतलब कि हमेशा आप पर डाउट किया हो, ट्रस्ट इशू रहा हो आप दोनों के दरमियान, हम इनके थोड़े से वीक पॉइंट बताते हैं आपको कि हो सकता है कि पहले ऐसा रहा होगा कि हमेशा आपको बांध कर रखना चाहते हो और बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हो आपकी लाइफ में, इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करते हो, ऐसा कुछ करते रहे हो। लेकिन ये तब तक था जब तक इन्हें आपसे फिजिकली अट्रैक्शन था, मतलब कि आपका जो प्यार था वो शारीरिक लेवल पर था, ये आपकी खूबसूरती के दीवाने थे, आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट थे, ये सोचते थे कि ये शरीर सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं, इसे कोई देखे भी नहीं। लेकिन अब इन्हें आपकी आत्मा से प्यार हो चुका है, समझ रहे हैं? तो अब इनका जो ट्रस्ट इशू था और ये जो आपको बांध कर रखना चाहते थे, ये सारे इशूज इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। तो ये आपसे न्यू बिगनिंग ज़रूर करेगा क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। और जो भी इशूज फैमिली खड़े कर रहे हैं ना, फैमिली खड़ी कर रही है ना, इन सारे इश्यूज को ख़त्म कर देंगे। देखिए, डरपोक टाइप का तो पहली बात ये है नहीं, समझ रहे हैं? डरपोक टाइप का पर्सन नहीं है ये बहुत करेजियस पर्सन है, बहुत हिम्मत वाला इंसान है। इस ये नहीं डरता किसी से भी, कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, इसे ज़िंदगी आपके साथ ही जीनी है, समझ रहे हैं? बस आपके ही दिमाग में कुछ लोगों ने उल्टी सीधी बातें भर दी हैं, तो वो सब सोच सोच कर आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, फिर आप अपने मन से सोचते हैं कि इसे भूल जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, इसे भूल कर आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन ये हमें वैसा कहीं गलत नज़र नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? अगर आप मैरिड हैं, आप मैरिड हैं और आप कहते हैं कि इसने कभी मेरी बात नहीं सुनी और हमेशा थर्ड पार्टी के पीछे भागा, हमेशा अपनी फैमिली का सपोर्ट किया, अगर आप ये सारे ब्लेम करते हैं इसके ऊपर और आप कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे भूल नहीं पा रहे हैं, इसने इतनी कमियां की हैं, इतना दिल दुखाया है, फिर भी आप इसे भूल नहीं पा रहे, आप भूल ही नहीं पाएंगे इसे। हम कह रहे हैं ना, आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि वो हर घड़ी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, हर घड़ी आपको याद कर रहा है। तो कोई जब आपको याद करता है ना, तो आपको भी सडनली उसकी याद आने लगती है, पुरानी बातें, बीते हुए पल, उसके फ़ोटोज़ देखने लगेंगे आप, ये सब कुछ अपने आप होने लगता है। तो ये खुद नहीं चाहता कि आप इसे भूलें, और सच तो ये है कि एंजल्स भी नहीं चाहते कि आप इसे भूलें। पहले आप गलती भी करते हैं, पहले आप गलती भी करते, फिर आप खुद ही दुखी हो जाते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। चलिए, ये टेंशन वेंशन छोड़िए, ये पर्सन गलत नहीं है और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। फैमिली इशू है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये फैमिली वैमिली की नहीं सुनने वाला, अब इसे आपसे आत्मा वाला प्यार हो चुका है, समझ रहे हैं? पहले फिजिकली कनेक्ट था, अब ये आपसे इंटरनली कनेक्ट हो चुका है, और ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, कितनी भी मेहनत करेगा, आपको मना भी लेगा ये, क्योंकि बहुत प्यार करता है। और बहुत जल्द अगर आप दोनों दूर रहते हैं ना, तो ये आपसे मिलने आएगा, समझ रहे हैं? आपको जस्टिस दिलाएगा, अगर इसकी फैमिली ने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, तो ये आपको जस्टिस देगा, समझ रहे हैं? और आपको 333 दिख रहा है ना, बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा, तो टेंशन मत लो, जो भी विश है आपकी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हम बताना भूल गए हों या फिर बताई ना हो हमने, क्योंकि जनरल रीडिंग किस किस की कंडीशन बताएंगे, किस किस की सिचुएशन बताएंगे, तो जो भी है इतना समझ लो कि अगर 333 दिख रहा है, अगर 333 दिख रहा है, तो आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी, बहुत जल्द पूरी होगी, और 3 महीनों के अंदर भी पूरी हो सकती है, 3 हफ्तों के अंदर भी पूरी हो सकती है, 3 दिन में भी पूरी हो सकती है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, दूसरों की परवाह क्यों करनी? और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है ना, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।